नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला के बुनियादी प्रशिक्षण सह पुलिस केंद्र दरभंगा से। आज के दिन पारण परेड का कार्यक्रम रखा गया है। दरभंगा के आईजी, दरभंगा के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साथ सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारी संख्या में जनता की भी मौजूदगी है। इस ट्रेनिंग करने के बाद सिपाहियों का आज पारण परेड कार्यक्रम है। इसके बाद 4 दिनों का छुट्टी, 3 दिनों का पहले छुट्टी दिया गया, इसके बाद अनुरोध के बाद आईजी ने 4 दिन का छुट्टी दिया है। और इन सिपाहियों को खासकर ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आईजी ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ नए सिपाही अपने काम से भटक जाते हैं, इससे बचने की जरूरत है। अभिभावक के तौर पर आईजी ने उपस्थित प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। आइए उनके इंटरव्यू में क्या उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि नई नौकरी है, आज से ज़्यादा खर्च न करें, नियमित होकर खर्च करें। ट्रेनिंग पूरी करने वाले सिपाहियों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है। पारण परेड बाद नव नियुक्त सिपाहियों को अपने नियुक्ति वाले जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। आईजी और एसपी ने परेड का निरीक्षण भी किया है। ट्रेनिंग पूरा होने के पर सभी अपने अपने जिले में जाकर 3 दिन के बाद योगदान देंगे। इधर प्रशिक्षु सिपाहियों ने अपने प्रशिक्षण को यादगार बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ फोटो भी लिया, साथ ही डांस किया है। देशभक्ति गानों पर जो डांस हमने कवरेज दिखाया है, ऐसा डांस आपने कभी देखा नहीं होगा। सिपाहियों का जो खुशी का इजहार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें कि पारण परेड में माता पिता पहुंचे, अपने अपने बेटे को वर्दी में देख खुशी के आंसू रोक नहीं सके। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, बीएमपी के समादेष्टा शेषव यादव, यातायात डीएसपी बिरजू पासवान, सदर डीएसपी कृष्णनंदन कुमार। बता दें कि यहां पर दरभंगा पुलिस केंद्र में 210 दिनों का प्रशिक्षण बगहा के 158, जमुई 26, मधेपुरा के 13 और नाथनगर के 1 सहित कुल 198 सिपाहियों ने यहाँ पर ट्रेनिंग पूरा करके अपने अपने जिलों में योगदान देंगे। देख सकते हैं इन सिपाहियों का यहाँ पर आईजी जो है, खासकर वो यहाँ पर सभी यहाँ पर सिपाहियों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आगे काम करना है, कैसे समाज को ट्रेनिंग ले चुका है, खासकर बिहार पुलिस में जवान बन गया है, क्या कहना चाहते हैं, कितना मेहनत से पढ़ाए लिखाए, किस तरह से आज ये बैठक को 2 साल से मतलब ये कर रहे थे, 13 महीने का ट्रेनिंग पास करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आरा से यहाँ आया हूँ दरभंगा बैठक के पास। मुझे गर्व है कि बिहार पुलिस में नौकरी मिला और इसको अच्छे से अपनी ईमानदारी से निभाएंगे। ट्रेनिंग से पहले क्या सिखाते थे आप बच्चे को, खासकर अपने बेटे को? पढ़ाई करते थे और मतलब कोशिश करते थे समाज का सेवा किस तरह से करना है, या अनुशासन होकर के कैसे काम करना है। हाँ, इनको ये इसी में ललके था पूरा, या तो इनका ज्वाइनिंग 2 जगह आया था, आर्मी में भी आया था और बिहार पुलिस में भी आया। हमने बोला कि बिहार पुलिस से ज्वाइन करो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 बेटा है। 2 बेटा है, एक ये बड़े हैं और ये छोटे हैं? नहीं, ये छोटा है, बड़ा बेटा है। बड़े क्या करते हैं? बड़ा बेटा बेरोजगार है अभी, वो भी मतलब तैयारी वारी कर रहे हैं? नहीं, अब तो ये इनका ओवर हो गया जी। ये बताएं कि कितना मेहनत ये किए थे, खासकर इनका नाम क्या है? जो मेहनत किए थे कितनों कहेंगे तो कम है, काफी मेहनत किए जी। आपको लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे आज? हाँ, इनका मेहनत पर तो गर्व था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा जो है कोरोना काल ये अकेले अपना घूमते रहा, पूरा मतलब भारत देश में घूमते रहा तैयारी की वजह से। हाँ हाँ, तैयारी की वजह से। गाँव में कितना खुशी होगा आज? अब कहने के मतलब लाइक आप क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर होकर के अभी झारखंड जेल पुलिस में। झारखंड जेल पुलिस में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिपिन बिहारी राय। और जिला कौन सा है आप लोगों का? आरा जिला। गांव? गांव संदेश थाना में सुरुंगापुर गांव। आपका नाम क्या हुआ? प्रभा देवी। आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश चंद्र कुमार राय। ये ट्रेनिंग सिपाही लोग थे विभिन्न जिला से, उनका पासिंग आउट था, पीओपी जिसको बोलते हैं, पासिंग आउट परेड उसी के, और आज से पूर्ण रूप में सिपाही हो गए, उसी का यह आज पासिंग आउट परेड था। यह कार्यक्रम चलते रहता है, विभिन्न इकाई में चलता है, बीएमपी में चलता है, जिला में भी चलता है। जिस जिले में ट्रेनिंग रहता है जनरली वो सिपाही दूसरे जिले के होते हैं। जैसे यहाँ दरभंगा में था, दरभंगा से था, मधेपुरा से था, 5 जिला से था, 198 की संख्या थी। 2 दिन का ट्रेनिंग पूरा हुआ, अपने अपने जिला में लौटेंगे और जो पुलिस का जो कार्य है वो करेंगे। क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग दी गई है मुख्य रूप से? पुलिस में जो ट्रेनिंग रहता है, आर्म्स का ट्रेनिंग रहता है, लाइट ड्रिल का ट्रेनिंग रहता है। अब चूँकि सिपाही लोग तो अब इंटर पास आ रहे हैं, इसलिए आईपीसी सीआईपीसी का भी बताया जाता है,
काम चलाओ, क्योंकि कल प्रमोट होकर करके ASI दरोगा बनेंगे, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए इस ट्रेनिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में पढ़ाई लिखाई वाली बात है, आउटडोर में ड्रिल हुआ, परेड हुआ, फिर आर्म्स की ट्रेनिंग हुआ। ये कितने दिन का ये ट्रेनिंग दिया जाता है? ये लगभग एक साल लग जाता है, और कभी कभी एक साल से ज़्यादा भी लगता है। इंडोर के एक साल से 215 दिन वर्किंग डे, 215 वर्किंग डे तो एक साल हो ही जाए, क्योंकि उसमें जो संडे नहीं हुआ या जिस दिन परेड नहीं उसको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए 215 दिन को पुराने में मिनिमम एक साल लगेगा। थैंक यू। दरभंगा जिले में जो सिपाहियों के अलग अलग जिलों के सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही थी, आज उसका समापन हुआ, जिसमें हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शपथ दिलाई है सभी सिपाहियों को। दरभंगा जिला के जो सिपाही हैं, करीब 300 सिपाही अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जैसे ही पासिंग आउट हो जाता है तो दरभंगा जिले को भी 300 नए सिपाही का बल मिल जाए। इससे बहुत मदद मिलेगी हम लोगों को, जो थाने हैं, गश्तियां हैं या फुट पेट्रोलिंग है उसको सुदृढ़ करने में हम लोग को मदद मिलेगी। और जिस अनुशासन से लोग ट्रेनिंग करते हैं वो अनुशासन अभी नया नया बरकरार रहता है लोगों में, तो हम लोग को उम्मीद है कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में हम लोग को इसमें मदद मिलेगी। दरभंगा जिले में इनकी संख्या कितनी आएगी? 292 करीब सिपाही हमारे जो भोजपुर और BMP-5 में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वहाँ एक बार उनका पासिंग आउट परेड हो जाएगा तो लोग यहाँ तब से फिर यहाँ काम मतलब शुरू कर देंगे। यहाँ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद से उनको अपने नए कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा, नई ड्यूटीज दी जाएगी। और किस किस चीज़ की ट्रेनिंग मुख्य रूप से दी गई है? सभी ट्रेनिंग दी जाती है, इंडोर्स भी और आउटडोर्स भी। मेनली सिपाही संपर्क के लोगों के लिए फिजिकल फिटनेस, आर्म्स कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, उसकी साफ सफाई, परेड और फिटनेस, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ साथ इंडोर क्लासेस में IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, जो हमारे और माइनर एक्ट्स हैं, उनके बारे में सतही तौर पर जानकारी दी जाती है, ताकि उनको अपने कर्तव्यों के निर्माण में वो हेल्प कर सके। प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ट्रेनिंग दी जाती है क्या? देखिए, वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो एक ही ट्रेनिंग के समय ही वो सब आते रहता है, जैसे कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ, डीलिंग कैसे करनी है, तो सारा चीज़ उसमें। थैंक यू। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कितने दिन का तैयारी था, कैसा क्या क्या ट्रेनिंग लिए, कैसा रहा बताया? यहाँ आने के बाद तो सबसे पहले दौड़, PT, काफ़ी टाइमिंग मैनेज करने में दिक्कत होता था शुरू में, फिर बाद में उसके अनुसार ढलते गए, फिर बाद में आसान लगते गया। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? हम करीब 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे थे। इसके बाद सबसे पहले आर्मी में मेरा हुआ, और इसके बाद बिहार पुलिस में, दोनों एक साथ मेरिट आया 10 दिन आगे पीछे, तो पापा के आदेशानुसार हमने ये बिहार पुलिस में। तो ये मम्मी पापा ने ये उत्साहित किया कि ये जवान बनना है, या फिर अपने मन से हो रहा था कि कुछ ना कुछ? अपने मन से ही ललक था, और पिताजी को देख करके भी कुछ लगा, तो कुछ लोग करने की भावना जगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हार मान जाते हैं या उनका मन जो है छोटा हो जाता है, ऐसे युवकों को, ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि कोशिश करना जारी रखें, हार मत माने, क्योंकि हमने भी काफ़ी असफलता हासिल करने के बाद ही सफलता पाई। क्या नाम हुआ आपको? सूर्य प्रकाश। मेरा कहाँ ट्रेनिंग लिए हैं? मैं बगहा जिला बल से हूं, और अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था दरभंगा जिला बल में। दो कदम पीछे चलो, सटा दीजिए, नजदीक कर दीजिए सबको, और आगे बढ़िए, चौथा नंबर पर आगे बढ़िए, चौथा को बढ़ाइए, पांचवा। MT सर्जन साहब है, पुलिस महानिदेशक महोदय भूपत्नी, फोटोग्राफ सिकंद गमन, फोटोग्राफी और आप भूपत्नी महोदय के साथ, और प्रचार से बड़ी प्रशिक्षक दरभंगा महोदय के साथ, इसमें हमारे मेहमान खुशी लोग भी है, कुछ अन्य अतिथि भी है। थर्ड वाले भी बढ़िए, धीरे धीरे थर्ड वाले, फोर्थ वाले बढ़िए, वेरी गुड। चल ठीक है।
हाँ थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए, ये जगह है। हो गया।